सो ये हमारा लास्ट एग्जांपल है जे कॉम्बो बॉक्स का, जिसको मैंने रन किया अभी। तो आप देखोगे कि जब मैं किसी आइटम को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि मैंने किस आइटम को सेलेक्ट किया है। और अगर मुझे डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, मैंने किसी आइटम को सेलेक्ट किया, मुझे सेव करना है कि मैंने किस आइटम को सेलेक्ट किया, तो मुझे यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा कि मैंने कौन से आइटम को सेलेक्ट किया, मुझे पता करना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ और देखेंगे कि हम इसे कैसे करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि जे कॉम्बो बॉक्स जो क्लास है, हमने देखा है यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। कॉम्बो बॉक्स जो है इसमें मेथड है एक्शन लिसनर ऐड करेंगे। तो एक्शन लिसनर हम कब ऐड करते हैं, जब हमें कुछ उस पर लिसन करना होता है, हमको कुछ इवेंट ऑकर हो रहा है उसको हमें होल्ड करना है, उसको हैंडल करना है, तो हम एक्शन लिसनर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप जाओगे डॉक्यूमेंटेशन अगर फॉलो करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये रहा कॉम्बो बॉक्स क्लास, जे कॉम्बो बॉक्स क्लास, ये रहा जे कॉम्बो बॉक्स क्लास। तो इसमें आप देखोगे कि थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो कॉम्बो बॉक्स है, इंप्लीमेंट इंटरफेसेस है इसमें, ये क्या है एक्शन लिसनर। इसने एक्शन लिसनर को भी इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो मुझे अलग से इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं अलग से करता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो इसमें एक मैथड है, मैं उसे ओवरराइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाला डायरेक्ट उसको ओवरराइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा मैंने किया हुआ है। लेकिन मैं कब कर सकता हूँ, जब मैंने ये जो क्लास है इसके मैंने सब क्लास बनाई हूँ, लेकिन मैंने सब क्लास तो बनाया ही नहीं है, मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो इसमें मैं मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कॉम्बो बॉक्स डॉट एड एक्शन लिसनर, एक मेथड है मेरे पास, इससे मैं इसको एक्शन लिसनर सेट कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर एक्शन लिसनर सेट करना है, एक्शन लिसनर इंटरफेस में मैं यहाँ पर एक एनोनिमस क्लास क्रिएट करने वाला हूँ। मैंने कहा न्यू एक्शन लिसनर, न्यू एक्शन लिसनर, तो ये ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट हो गया, यहाँ पर एक मेथड था वो ओवरराइड हो गया, एक्शन परफॉर्म। तो जैसे ही मैं किसी आइटम को कलेक्ट सेलेक्ट करूंगा, एक्शन परफॉर्म मेथड कॉल होगा इंटरनली। तो मैंने जस्ट यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलन, ओके, यहाँ पर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलन, एस वाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलन, और यहां पर मैंने लिखा आइटम चेंज्ड। ठीक है, जस्ट मैंने लिखा आइटम चेंज्ड। अभी हम देखेंगे कि हमने कौन सा आइटम सेलेक्ट किया, वो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने लिखा आइटम चेंज्ड और सेमी कोलन, और रन करेंगे प्रोग्राम को। तो आप जाओगे मेन मेथड में, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रन का, मैंने रन पर क्लिक किया तो ये जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखो कॉमा बॉक्स क्रिएट हुआ। नाउ यहाँ पर टर्मिनल नहीं दिख रहा है जहाँ पर हमको आउटपुट दिखेगा, तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं पहले। यहाँ पर हमने टर्मिनल को ओपन किया, नाउ सारा कुछ यहाँ से क्लियर कर देते हैं, डीबग कंसोल में जाएंगे और एग्जाम्पल को रन करेंगे। तो एग्जाम्पल रन करेंगे तो उसका जो आउटपुट है वो डीबग कंसोल में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो डीबग कंसोल ये आपको यहाँ पर देखना है। मैंने आइटम को सेलेक्ट किया जॉन, तो क्या आया आइटम सेलेक्टेड, इसका मतलब ये है कि वो जो मेथड मैंने ओवरराइड किया वो कॉल हो रहा है। अगर वो कॉल हो रहा है तो मैं यहाँ पर पता कर सकता हूँ मैंने कौन सा आइटम सेलेक्ट किया है। एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर चलते हैं। तो कैसे हमको पता चलेगा तो देखेंगे, हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, हमने कहा स्ट्रिंग आइटम सेलेक्टेड इज इक्वल्स टू, हमने हमारे पास कॉम्बो बॉक्स है, हमने कहा कॉम्बो बॉक्स डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम या फिर सेलेक्टेड इंडेक्स। तो इंडेक्स में आपको इंडेक्स मिलेगा, आइटम में आपको सिर्फ आइटम मिल जाएगा। तो आइटम हमने कहा आइटम मिला, ये हमको ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, लेकिन हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, वो हमारे स्ट्रिंग्स हैं। तो मैंने इसे टाइप कास्ट कर सकता हूँ, मैंने कहा स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर दूँ। तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, आइटम मिल जाएगा जो कि मैंने सेलेक्ट किया है। आइटम सेलेक्टेड यहाँ पर मैं कॉन्कैट कर देता हूँ कि मैंने कौन सा आइटम सेलेक्ट किया है। तो मैंने यहाँ पर लिखा आइटम सेलेक्टेड, डन, रेडी है। तो अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को अगेन, और अब आप देखोगे कि जिस आइटम को मैं सेलेक्ट करूँगा वो हमको कंसोल पे प्रिंट होके मिलेगा। तो मैंने सेलेक्ट किया जॉन, सुमित को सेलेक्ट किया, यहाँ का आया आइटम सेलेक्टेड सुमित। दूसरा आइटम सेलेक्ट करते हैं उमंग, दूसरा आइटम वीरेंद्र। तो इस तरह से मैं यहाँ पर पता कर पा रहा हूँ कि मैंने कौन सा आइटम को सेलेक्ट किया है। इसी तरह से आप इंडेक्स भी पता कर सकते हैं कौन सा इंडेक्स आपने सेलेक्ट किया है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा गेट सेलेक्टेड इंडेक्स। तो इंडेक्स मुझे क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, मैं उस इंटीजर वैल्यू में होल्ड कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर कहा इंट इंडेक्स, ओके, इंट इंडेक्स। तो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 1 2 से, उसके बाद मैं यहाँ पर कॉन्कैट कर देता हूँ इसे, ओके, मैं यहाँ पर कॉन्कैट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा आई, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आई लिखा और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस इंसर्ट कर देता हूँ मैं, तो पहले इंडेक्स प्रिंट होगा, उसके बाद जो आइटम सेलेक्ट किया वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो रन करते हैं, हमने कहा रन और प्रोजेक्ट रन हो चुका है, तो मैं इसे रिसाइज कर लेता हूँ। और नाउ आइटम सेलेक्ट करते हैं, हमने कहा जोन, तो क्या आया, ओके, एक्सेप्शन आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। आई कैन नॉट बी रिजॉल्व आ वेरिएबल, ओके, कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, देख लेते हैं।
इंट इंडेक्स लिखा है मैंने, यहाँ पर लिखा है आई, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा इंडेक्स। डन, नाउ रन करेंगे। हमने कहा रन और डिबग कंसोल को देखेंगे आप, तो सेलेक्ट करूंगा मैं कोई एक आइटम, तो मैंने आइटम सेलेक्ट किया, क्या आया, वन जून। तो इंडेक्स हमेशा जीरो शुरू हो, जो पहला आइटम है वो जीरो होता है। मैंने कहा जीरो वीरेंद्र, जो उमंग है उसका क्या होगा, जीरो वन टू थ्री, तो थ्री होगा इसका, तो थ्री, सिंपल है। तो मैंने इंडेक्स पता कर लिया, मैंने आइटम पता चल कर लिया कौन सा आइटम मैंने सेलेक्ट किया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पर लिसनर ऐड करके मुझे पता चल सकता है कि मैंने कौन सा आइटम सेलेक्ट किया है। तो ये था सिंपल, मैंने स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स पास किए। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसमें ऑब्जेक्ट्स कैसे पास कर सकता हूँ, कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट या कि यूज़र ऑब्जेक्ट कॉम्बो बॉक्स में कैसे पास करेंगे, और जो कॉम्बो बॉक्स में जो दिखता है ऊपर लेबल, वो उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।